हाय दोस्तों, मैं हूँ संपत सनाट्य और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चुनौतियों की। अगर आप कोई जीवन में लक्ष्य लेते हैं, अगर आप अपने जीवन में कोई एम लेते हैं, तो उन लक्ष्य के प्रति जब आप गुजरोगे ना, जब आप जाओगे, तो किन किन चुनौतियों का आपका सामना करना पड़ेगा, आज उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों, आज आप किसी भी महान व्यक्ति या सफल व्यक्ति के जीवन में उठा कर देख लीजिए, क्या वो ऐसे ही सफल हो गए? क्या उनके जीवन में कोई चुनौतियां नहीं आई? क्या उनके जीवन में उन्होंने कोई असफलता फेस नहीं की? की दोस्तों, उन्होंने बहुत सारी चुनौतियां पार की और उस लेवल पर पहुंचे वो। तो आप ये मत सोचिए दोस्त कि मुझे मेरे जीवन में ही चुनौती आ रही है, मेरे जीवन में असफलता आ रही है। नहीं दोस्तों, आप अच्छे अच्छे लोगों की, अच्छे अच्छे सफल लोगों की जीवनियां पढ़िए, लोग आपको खुद को लगेगा यार, मैं अकेला नहीं हूं इन चुनौतियों का सामना करने वाला। बहुत से जनों से, मेरे से आगे बहुत से जो सफल हुए हैं, बहुत महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी चुनौतियां झेली हैं दोस्तों। इसलिए आप जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो चुनौतियों से ना घबराइए दोस्तों। चुनौतियों को आपको फेस करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप सफल हो पाओगे। हम ये जब सड़क पार करते हैं या जाते हैं तो रेड लाइट आती है, क्यों आती है दोस्तों? वो आपको रोकती है, क्योंकि दूसरे वाले वाहन साइड से निकल रहे होते हैं, तो वो आपको सचेत करती है कि रुकिए, अगर अदरवाइज अगर आप चलेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो जीवन में सफलता के लिए अवरोध आना जरूरी है दोस्तों। जब रुकावटें नहीं आएगी तो आप कैसे सीखोगे दोस्तों? आप कैसे अनुभव ले पाओगे दोस्तों? बिना अनुभव, बिना चुनौतियों के आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते दोस्तों। इसलिए आपको सफल होने के लिए चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ेगा दोस्तों। आज मैं आपको अपने जीवन में फेस होने वाली 6 चुनौतियों के बारे में बताऊंगा, जो सभी लोगों ने फेस की, अधिकतर लोगों ने, जो महान हुए, सफल हुए, उनके जीवन में भी ये 6 चुनौतियां उन्होंने फेस की है। आज मैं उन चुनौतियों के बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहली चुनौती होती है डर, असफलता का डर। दोस्तों, ये डर ही होता है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। लोग क्या सोचते हैं, किसी भी नए चीज या नए बिजनेस स्टार्ट करते, क्या अगर यार मैं असफल हो गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे, असफल हो गया तो मैं क्या करूंगा? ये डर है दोस्तों जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। इस डर को अपने अंदर से, सबसे पहले इस डर को आपके अंदर से बाहर निकालना होगा दोस्तों। जब आप किसी लक्ष्य के प्रति जाएंगे या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे और जब आपके अंदर ये डर नहीं निकलेगा, इस डर को लेके अगर आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इस डर को लेके अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो आप, मेरा दावा है दोस्तों, आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, आप कभी अपना लक्ष्य को ना पा पाएंगे दोस्तों। इसलिए सबसे पहले अपने मन में डर को निकालिए, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, जिंदगी तो खत्म नहीं होगी दोस्तों। इसलिए आगे बढ़ते रहिए, डर को निकालते हुए आगे बढ़ते रहिए। दूसरा, नकारात्मकता अपने जीवन में ना लाइए। आपने कोई लक्ष्य लिया तो उसके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, नकारात्मक बिल्कुल ना सोचे। अगर अपने लक्ष्य के प्रति अगर आप नकारात्मक सोचेंगे, उसके अगर निराशा ही निराशा अपने मन में लाएंगे, तो आप अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे दोस्तों। इसीलिए अपने जीवन में जो नकारात्मकता है उसको बाहर निकालें, तभी आप अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। तीसरा, दूसरे क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं, यही तो सबसे बड़ी बीमारी है दोस्तों आज की। अरे यार, मैं वो बिजनेस करूंगा, मैं वो करूंगा, लोग क्या कहेंगे? अरे दोस्तों, उसके बारे में मत सोचिए। बिजनेस चाहे कैसा भी हो दोस्तों, आपका हुनर होना चाहिए उसमें। अगर आपका हुनर होगा ना, तो आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। डोमिनोज पिज्जा का नाम सुना होगा दोस्तों, एक छोटे से कमरे से स्टार्ट हुआ, क्या होता है, एक खाली एक पिज्जा ही है ना दोस्तों। अमेरिका की रेस्टोरेंट चेन कंपनी है दोस्तों, आज अमेरिका की रेस्टोरेंट चेन कंपनी आज कितने ही देशों में पिज्जा प्रोवाइड करा रही है, होम डिलीवरी कर रही है दोस्तों। तो शुरुआत में जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो क्या हुआ, लोग हंसे होंगे, अरे यार क्या है, पिज्जा का काम कर रहा है। लेकिन आज वही लोग बड़े आदर से और बड़े सम्मान के साथ उनको देखते हैं, और वो थे टॉम मेनाहोन। तो आप ये मत सोचो मेरा काम छोटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों। बस अपना लगन और मेहनत करते रहिए, लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में न जाए। अगर अपना काम ये स्टार्ट
सोच के करेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों याद रखिए, आप वहीं रह जाएंगे, आप अपने लेवल से कभी ऊपर उठ नहीं पाएंगे। इसलिए ये अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि लोग क्या कहेंगे। चौथी बात, चौथी चुनौती, दुनिया के हालात। जब आप फील्ड में आएंगे ना, तो साहब दुनिया के बहुत सारे ऐसे हालात होंगे जो आपके विपरीत होंगे, आपके अनुकूल नहीं होंगे, उनको आपको फेस करना पड़ेगा, उनसे आपको उन चुनौतियों से आपको पार पाना पड़ेगा। जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा सफल हो जाएंगे, तो आपको देख के दूसरे कंपिटिटर सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस पे उतार देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा होगा, आपको टक्कर देने के लिए उतार देंगे। वो दो महीने तीन महीने नुकसान करेंगे, फिर भी उतार देंगे। उस ऐसी चीजों से भी आपको फेस करना पड़ेगा, ऐसी चुनौतियों को आपको फेस करना पड़ेगा। उस वक्त आपके हुनर को, आपकी कला को निखारनी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे दोस्तों। और कभी कभी दुनिया के हालात ऐसे भी होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, ये भी आ जाती है, मार्केट बंद हो जाता है, चारों तरफ लोग लॉकडाउन हो जाता है, फिर भी आपको सिचुएशन में अपने आप को डालना है और आगे निकलना है दोस्तों। पांचवी बात, पांचवी जो चुनौती आती है दोस्तों, उम्र। जब लोग मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी असफल हो जाते हैं, एक उम्र आ जाती है 40-45 की उम्र, तो लोग थोड़े निराश हो जाते हैं, थोड़े हताश हो जाते हैं कि यार आज मेरी उम्र हो गई और अब मैं नए लक्ष्य नए सपने नहीं देख पाऊंगा और मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा। उम्र सबसे बड़ी चुनौती है दोस्तों इस सफलता के रास्ते में, इसलिए उम्र को बीच में ना आने दें। सफलता उम्र के ऊपर निर्धारित नहीं होती है दोस्तों, सफलता किसी भी उम्र में पाई जाती है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, कर्नल सैंडर्स का 65 ईयर में दोस्तों, 65 ईयर में अपने KFC फूड्स को लॉन्च किया, फ्राइड चिकन, और सफलता पाई, आज हर देश में उनका रेस्टोरेंट है। इसलिए उम्र को बीच में ना लाए, उम्र की बाधा को पार करें और आगे बढ़ते जाए। इसी के साथ आज यही दोस्तों, देखते रहिए मेरा वीडियो और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे दोस्तों।